हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी कॉम्पेनियन। आज का वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिपिंस्की रूल ऑफ फाइव के बारे में। पहले सिंपली समझते हैं क्या है लिपिंस्की रूल। इस रूल में बताया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल एज ए ड्रग डेवलप होने में, मतलब उस मॉलिक्यूल प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल के बाद मार्केट में आने के लिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए वही बोला गया लिपिंस्की रूल ऑफ फाइव में। अब देखो क्या लिखा है बुक्स की लैंग्वेज में। फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी डेवलप्ड एज ए ड्रग सर्टेन प्रॉपर्टीज शुड बी प्रेजेंट। दिस प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द मॉलिक्यूल टू बी ड्रग लाइक एंड आर कॉल्ड लिपिंस्की रूल ऑफ फाइव। तो वही चीज बोला गया इसमें किताबों की भाषा में, मोटे मोटे अक्षरों में। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है। द मॉलिक्यूल शुड हैव, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, लेस देन फाइव हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, पांच से कम हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर का नंबर पांच से कम होगा। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 500 से कम होगा, 500 डाल्टन से कम होगा मॉलिक्यूलर वेट। उसका पार्टीशन कोफिशियंट कितना होगा, पार्टीशन कोफिशियंट लॉग पी का वैल्यू होगा, पार्टीशन कोफिशियंट लॉग पी का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 5 होगा। मतलब पार्टीशन कोफिशियंट क्या होता है, पार्टीशन कोफिशियंट पी होता है ड्रग इन नॉन एक्वस लेयर बाय ड्रग इन एक्वस लेयर। तो लॉग पी का वैल्यू कितना होगा, लॉग पी का वैल्यू लेस देन 5 होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, पहले क्या था, पहले डोनर का नंबर था लेस देन 5, लेकिन एक्सेप्टर का जो नंबर होगा वो कितना होगा, लेस देन 10 होगा, मतलब 10 से नीचे होगा, 7, 8, 9 तक हो सकता है, 10 नहीं होगा और 10 से ऊपर नहीं होगा। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है डोनर का नंबर कितना होता है और एक्सेप्टर का नंबर कितना होता है। तो ये याद रखना कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसका वैल्यू, ए का वैल्यू एक्सेप्टर, ए से एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। ये सिर्फ याद रखना, तो ऑटोमेटिक जो बॉन्ड डोनर है उसका नंबर तुम्हें याद रह जाएगा। तो यही था होल इन्फॉर्मेशन लिपिंस्की रूल ऑफ फाइव के बारे में। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।